हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कल से नवरात्र है तो नवरात्र का फास्ट मैं रखूंगी पीजी में, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, यहाँ दूर हूँ मैं, बड़े सामान लेने जाऊंगी। तो स्टे ट्यून, आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो सामान लेने जाऊंगी माता रानी का, तो दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आती हूँ मैं। पूजा करूंगी मैं अपनी पीजी में ही आज नहीं, मतलब कल आधा सामान लेके आऊँगी। उसकी क्लिप भी डालूंगी मैं क्या क्या लेके आती हूँ। माता रानी का सामान हमारे पीजी के बाहर मेला लग रहा है दशहरा का, कल दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये लेके आई अपने मामा के यहाँ से, मामी भी है, भाभी ने बना के दिया है। गाइस देखिएगा, सफाई चल रही है रूम की, अभी मैं लगाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसा लगेगा। पूरा फैल रहा है तो मैंने लगाया है। कैसी लग रही है मम्मी? माय ऑपरेशन। जो जो मुझे याद आई मैंने सब लगा ली, मतलब सफाई तो करा ली है, बट एडजस्ट ये सामान एक ही रूम है ना कि कहाँ पे रखे, तो इसलिए सारा सामान ऐसे हो रखा है। अभी सही कर देंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कैसा लगेगा हमारा रूम। ये बता दो भाई, ये कैसा लग रहा है? मैं नहा ली हूँ और मैं पूजा करूंगी। दीजा भी नहा ली, दीजा आज तो सुबह नहा ली। क्या क्या ऐसी बोल, स्टाइल बोल, जैसे बोले नहाती है, नहीं नहाती है, बिना नहाए जाती है ऑफिस, बिना नहाए, क्योंकि मैं शाम को सोने नहीं मिलती है, इस वजह से मैं सुबह लेट उठती हूँ। मैं सबसे पहले सो जाती हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हेलो गाइस, हमारी पूजा हो गई है, देखो हमने कर ली है पूजा और हम नहा भी लिया सब। देखो मम्मी देखो। गाइस मैं आ गई ऑफिस से, अब मैं दिखाऊंगी मैं शाम की पूजा करती हूँ, वो भी मैं डालूंगी। आज कैसी लग रही हूँ? गाइस मैं आ गई ऑफिस से, अब मैं शाम की पूजा करूँगी और फिर मैं दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ। आज मैं ऐसी लग रही थी। हेलो गाइस, मेरी शाम की पूजा हो गई है, देख लीजिए मैंने मंदिर सजाया है बहुत प्यारा माता रानी का। ये लाइटिंग बारह बंद हो रही है, मेरे को यही मिली मार्केट में, तो मैं यही। मम्मी कैसी लग रही है मेरी माता रानी? मैंने पूजा कर ली है शाम की, और इस कैसी लग रही है माता रानी मेरी, क्योंकि मैं पीजी में हूँ, मैं इतने ही कर सकती हूँ, बट मैंने इतना भी सोच समझ के किया है कि इधर माता रानी का फेस होना चाहिए और ये सब कुछ। तो बताइए कैसे लग रहा है कमेंट करके। घर पे भी बनाती थी मैं, ऐसा नहीं है, बट घर पे पापा की, भाई पापा ही मतलब पूजा करते हैं, बट यहाँ तो अलग है ना, यहाँ पे भी तो होना चाहिए, इसलिए मैंने खुद से ही पूजा की आज। आज का दिन तो ये था। खाने में मैंने क्या खाया, चाय पी है सुबह से, एक लड्डू खाया, फ्रूट्स भी खा लिए थे। शाम को मेरी फ्रेंड आएगी तब मैं बताऊंगी कि मैं क्या खाऊंगी। तो अब बन रहे हैं हमारे, क्या बन रहा है लीजा? ये इस्तेमाल के चावल बन रहे हैं एंड ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या क्या रखता है इसमें? ये हमने लिया है, सबसे पहले यूटेंसिल कुकर लिया है हमने। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अपना घी, जीरा, ये सेंधा नमक है, ग्रीन चिलीज एंड हमें छोटे छोटे बारीक हमने ये काट लिए हैं आलू के पीसेस, ठीक है। और ये हमारे, ये हमने एक बार वॉश करके, समा के चावल है, एक बार वॉश करके हमने रखा है थोड़ी देर भीगने के लिए, लाइक फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। अब हम इसको दोबारा से वॉश करेंगे साफ पानी में, और फिर हम बनने के बाद दिखाएंगे कैसा। बनने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा। लीजा बन गया खाना? हाँ चलो बन गया है, चलो बताओ। ये
हाय गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ? सी माय न्यू हेयर कट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो शालू ने आज कुछ ऐसा डेकोरेशन किया है माता रानी के लिए। गाइस मुझे देख के बहुत खुशी हुई जब मैं ऑफिस से वापस आई कि नाइस। तो अनन्या आपको कैसा लगा ऐसा रूम देखे? कम इनसाइड। ये ऐसे लोग हैं नास्तिक, फास्ट भी रखता है। पार्टी चल रही है माता रानी की, इन पे भी ध्यान दे। हमने बनाया ये समय की चावल और खिचड़ी। तो गाइस आज का दिन तो कंप्लीट हो गया। आज फर्स्ट नवरात्रा था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ और डेली न्यू न्यू चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँ कि मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ। गाइस आज हमने बहुत मेहनत करी है सब कुछ सेटअप करने में, एंड मैं यही चाहूँगी कि आप ज़रूर से शाहरुख के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहें और उसके साथ बने रहें। बाय, गुड नाइट।